कब पता लगे कि राहुल बेटी टॉप 10 में आयल बिया पूरा बिहार में? बेटी बता इस पता लगे कभी तो। आप तो वाकई में देख सकते हैं गर्व है, खुशी की वजह से मुंह से आवाज नहीं आ रही है। वो तेज है या कुछ भी है, वो है अपने लिए है। हम मेरे को खुद पे विश्वास था, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और एग्जाम में भी, चाहे हम लोग पटना भी गए थे, बहुत सारे बच्चे थे, बट हमको खुद पे विश्वास था कि हाँ हम ये कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, इसे कह सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, केवल मैं इसे कर सकता हूँ उसे घमंड कहते हैं, मैं इसे कर सकता हूँ उसे विश्वास में है। आपको बता देते हैं कि कल बिहार का रिजल्ट आया है 12th का, जिसमें लड़के ही नहीं गोपालगंज का परचम ला रहे हैं, लड़कियां भी परचम ला रही हैं। आप अक्सर ये लड़का और लड़कियों में तुलना होता है कि लड़कियां थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं रहा, अब लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, चाहे वो किसी भी मामले में। हम एक ऐसी लड़की से मिलाने जा रहे हैं जो टॉप 10 में है और वो अपने गोपालगंज ज़िले की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बरौली ब्लॉक से बिलोंग करती है, कल्याणपुर पंचायत से, जो कल्याणपुर पंचायत के मुखिया भी यहाँ प्रेजेंट हैं। तो सीधे तौर पे आपने एक सुपर 30 का मूवी देखा होगा जिसमें डायलॉग था, बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा का बेटा वही राजा बनेगा जो उसका हकदार होगा, और ये हकदार है। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरा सपना सच हो गया। कब पता चला कि आपका इतना नंबर आया? पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, 12 मार्च को कॉल आया था मेरे पास कि आपका टॉप 10 में नाम आया है, आपको पटना आना है कॉल, और आने जाने का खर्च बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देगा। उसके बाद हम लोग पटना गए 13। अच्छा, आपका नाम क्या है और कितना नंबर है ये बता दीजिए। मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मेरा 470 नंबर आया। 470 नंबर आया, कहाँ से पढ़ाई किए हैं? यहीं पे गोपालगंज में 5-6 महीना यहीं कोचिंग से किए हैं, हर्ष कॉमर्स क्लासेस से। अच्छा, सर बढ़िया से पढ़ाते थे? बहुत अच्छा से पढ़ाए। लड़की लोग ज़्यादा पैसा लेते थे ये कौन? नहीं, सबका सेम पैसा था, सबका सेम था। सेम था। अब हम इनके माता पिता से बात करते हैं और मुखिया जी से भी बात करेंगे। चाची रउआ, कब पता लगे कि राहुल बेटी टॉप 10 में आयल बिया पूरा बिहार में? बेटी बता इस पता लगे कभी तो। आप तो वाकई में देख सकते हैं गर्व है, खुशी की वजह से मुंह से आवाज़ नहीं आ रही है, क्या कहें चाचा जी? जी नमस्कार। ये फोन किया हमारे पास जी, हमारा टॉप 10 में नाम आया है, पटना से कॉल आया था, तो हम इसको अपने यहाँ बुला लिए, तरवारा बुला लिए, तो वहाँ से अपने गाड़ी से ले गए थे, वहाँ खर्चा उर्चा भी मिला बोर्ड के तरफ से जी। अब सीधे तौर पे मुखिया जी से चलते हैं। मुखिया जी, आपके गांव के साथ साथ पंचायत का नाम ही नहीं, पूरे जिला का नाम रोशन कर रही है आपके जिले की बेटी, आपकी पंचायत की बेटी, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले मेरी मतलब ये एक तरह से मेरी परिवार की सदस्य है, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये और बहुत आगे जाए, हम लोगों का हमेशा साथ रहेगा, और ये पूरे पंचायत की नहीं, गोपालगंज ही नहीं, पूरे बिहार का नाम रोशन किया, एक छोटे से गांव से निकल के एक शहर से, गोपालगंज शहर जिला मुख्यालय से सबसे अंतिम छोर पे मेरा पंचायत है, वहाँ से एक छोटी सी बच्ची अपने मेहनत के बदौलत अपने दम पर वहाँ से 35 किलोमीटर डेली आके और कोचिंग और कॉलेज करना आसान नहीं होता है, इतना गांव से उभर के डेली इतना दूर से आके इतना मेहनत करके हम लोगों को आज जो खुशी मिला है, शायद आज तक पहले पंचायत या बरौली में भी शायद नहीं मिला था। मिठाई तो नहीं है ना? एकदम मिठाई नहीं, हम जोरदार गांव में इनका स्वागत होगा और एक इनका अभिनंदन होगा, और इनका होली के पहले डबल होली, एकदम होली के पहले डबल होली। अब सीधे तौर पे इनसे बात करते हैं, सपना क्या है बेटा? मेरा सपना है अभी बीकॉम करना है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में जाना है। वाकई में बैंकिंग सेक्टर में जाना है। सीधे तौर पे चाचा जी क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग तो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति कमजोर है, गांव के लोग हैं जी, हम सहारा इंडिया तरवारा में जी ब्रांच मैनेजर हैं, और सहारा इंडिया का देन है। देखिए, बेटी को भी उसी लाइन में ले जाना चाहते हैं जी, मेरा अपना यही सपना है। अच्छा, आप टॉप की हैं तो क्या कहना चाहिएगा जो आपके जैसी बच्चियां हैं जो गांव से बिलोंग करती है, शहर में वो सारी सुविधाएं, और पिछले 2 साल से कोरोना ने एजुकेशन को कमर तोड़ दिया है,
एजुकेशन का क्या हाल था, प्राइवेट कोचिंग और स्कूल वाले का क्या हाल था, उस सर से जान लेंगे हम थोड़ी देर में। तो आप बताइए, गांव से होके और इतना बढ़िया टॉप टेन में आना, और गांव में मतलब जो बच्चियां हैं जिनका सपना है कि आपके लेवल तक आएँ, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिएगा? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर खुद पर विश्वास हो और अपने पे कॉन्फिडेंस हो तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो शहर के हैं या जो भी हैं, वो तेज हैं या कुछ भी है, वो है अपने लिए हैं। हम, मेरे को खुद पे विश्वास था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और एग्ज़ाम में भी, चाहे हम लोग पटना भी गए थे, बहुत सारे बच्चे थे, बट हमको खुद पे विश्वास था कि हाँ हम ये कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, इसे कह सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, केवल मैं इसे कर सकता हूँ उसे घमंड कहते हैं, मैं इसे कर सकता हूँ उसे विश्वास कहते हैं। सर आ जाइए, सर से बात करते हैं, सीधे तौर पे सर से बात करने का प्रयास करते हैं। सर, कौन सा जड़ी बूटी पिलाए हैं, कौन सी सजीवनी पिलाए हैं कि आपकी जो स्कूल की, इंस्टीट्यूट की, आपकी कोचिंग की लड़की टॉप टेन में आ जाती है, तो क्या कहेंगे? सर, जड़ी बूटी कोई नहीं है, बसलते मेहनत है, और कोई भी लड़का हो या लड़की मेहनत करेगा तो टॉप टेन का टॉप वन में आ जाएगा। ये लड़की होके घर का सब काम करना होता है, इसके अलावा विलेज एरिया से आती है, गांव में लड़कियों को कुछ अलग नज़रिया से देखा जाता है, उनको पर्दा में रखा जाता है, लेकिन ये लड़की टॉप टेन में आके वो सभी मतलब बंदिशों को तोड़ दी है। बिल्कुल, देखिए पहले का अपेक्षा वो नहीं रह गया है कि लड़की अब घर पर है, अब पहले का सब एजुकेशन बढ़ गया है, अब सभी लोग चाहते हैं कि शहर में लड़की पढ़े, जहाँ भी पढ़े लेकिन अच्छा से पढ़े, और ये लड़की आई हमको टॉप रैंक 3 है इसका बिहार में, हमको बहुत खुशी मिला उस दिन, माने हम खुद अपने आप को माने उस दिन बहुत आँख में आंसू दिख रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन हम बहुत खुश थे, इसलिए खुश थे कि हमको 5 साल पढ़ाते हो गया जिला में, और 5 साल में जो सफलता हमको मिला, बिहार टॉपर 3rd रैंक पाई, हम बहुत उस दिन खुश हैं और उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और इनको माता पिता के बोलते हैं कि ये लड़की आगे चल कर बहुत कुछ करके दिखाएगी। फ्री में पढ़ाइएगा? हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, हम वैसे स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाते हैं, अगर बिल्कुल गरीब है और पैसा देने में असमर्थ उस स्टूडेंट को हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं, पैसा उससे नहीं लेते हैं। चलिए, एक आपने इनसे जाना और सीधे तौर पर इन्होंने बोला कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, और गांव की क्या सिचुएशन रहता है सबने जाना, सबने प्रयास किया, रैंक इनका 3 है जैसे कि सर बता रहे हैं, 3 है, कॉमर्स पे है कि पूरा टॉप 10 का है? कॉमर्स में जैसे स्ट्रीम 3 होता है। हाँ, स्ट्रीम 3, कॉमर्स में रैंक इसका 3 है, कॉमर्स में इनका रैंक 3 है, जो कि पूरे बिहार लेवल का है, और गांव के, छोटा सा गांव के होके कह सकते हैं कि चिराग बन के कमल कचड़ा में ही खिलता है, सभी लोग जानते हैं, और ये कमल उभर के आई है, जिसके लिए सभी लोग, टीचर्स भी खुश हैं, मुखिया जी भी खुश हैं, और इनका ये दावा है कि मैं इनका गांव में भरपूर बढ़िया से स्वागत करूंगा, ताकि आने वाली जो बच्चियां हैं उनके लिए एक मिसाल बन के। मतलब गांव में कोई भी कॉमर्स का नाम सुन के बोलता है कॉमर्स, ये क्या होता है, बहुत लोग तो जानते भी नहीं कॉमर्स होता क्या, बट जब हम यहां पे आए तो सर के वजह से सब कुछ मतलब हो पाया मेरा। कॉमर्स आपको कमर तक ले गया? हाँ। क्या करिएगा सर? देखिए, कॉमर्स गांव में जो है ना, ये अजूबा चीज है, लड़का अगर 9th में और उसे जाकर पूछिएगा कि बल कौन सा स्ट्रीम में, सीधे बोलेगा साइंस या कॉमर्स, कॉमर्स जानते ही नहीं, तो सबसे पहले जानकारी के अभाव में कोरोना का वैक्सीन जहर लग रहा था, तो सबसे पहले कॉमर्स का अगर जानकारी, देखिए बच्चों को यहाँ पर 3 स्ट्रीम है, तो लड़का 10th पास करता है साइंस है आर्ट्स है, तो कॉमर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया जाए, और कॉमर्स को प्रत्येक लड़का यहाँ भी कॉमर्स पढ़ कर लड़का सफर करेगा और टॉप 10 में आएगा। मुझे लगता है कि गोपालगंज जैसा आपका इंस्टीट्यूट है कॉमर्स, मुझे लगता है बेहतर यही होता है। देखिए, और भी देखिए, सबसे बेहतर हम अपने बारे में जानते हैं, दूसरे के बारे में जानते, हम बेहतर हैं और हमारे बच्चे बेहतर, और बेहतर हम रिजल्ट देते हैं, देते अभी तक आए। नाम बता दीजिए अपने जी। हमारा कोचिंग का नाम है हर्ष कॉमर्स क्लासेज, और हर्ष किसका नाम? हर्ष मेरा दूसरा नाम है, हर्ष मेरा दूसरा नाम, हर्ष कॉमर्स क्लासेज, और भाई हेमंत सर मिले का पता मीन स्टेडियम, वेस्ट ऑफ मीन स्टेडियम।